बड़ी खबर देते हुए मैं अर्पिता फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 199 में से 156 के रुझान राजस्थान के सामने आए हैं। बीजेपी 85 पर, कांग्रेस पार्टी 70 पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई, लेकिन आपको बताते चले जैसे ही 15 रुझान बीजेपी के पक्ष में और आते हैं, वैसे ही जो बहुमत के लिए उसको आंकड़ा चाहिए वो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे जैसे समय गुजरता है उसके बाद आंकड़े काफी तेजी से परिवर्तित भी होते हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, अभी इन रुझानों में 157 के रुझान सामने आए हैं। 199 में से बीजेपी यहां पर शुरू से अपनी लीड बनाए हुए 86 के साथ इस वक्त आगे की ओर बढ़ती हुई, कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पीछे है 70 के साथ। आप देखिए दोनों में किस तरह का गैप है। तो राजस्थान में लगातार बीजेपी की जो अब 87 हो गए, 158 के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी के 87 हो गए, कांग्रेस पार्टी 70 पर। छत्तीसगढ़ में अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश का आंकड़ा 139 के। सब 10:30 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग ये रहा है? सब सीट फीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर, बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन सारी तैयारियां आप कर रहे हैं सर? कमलनाथ जी सर हम बड़े आराम से जीतेंगे, वोट पब्लिक ने दिया है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के बड़े नेता एमपी आ गए हैं। कमलनाथ को आप सुन रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। और अभी के जो आंकड़े सामने आए हैं, 139 के मध्य प्रदेश के रुझान सामने आए हैं, 84 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा पिछड़ गई है 55 के साथ अशोक। लेकिन कमलनाथ अभी हार मानने को तैयार नहीं, उनका ये कहना है कि अभी तो शुरुआती रुझान है ये। बिल्कुल चित्रा, कमलनाथ हो दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हार मानने को तैयार है। और कमलनाथ पहले दिग्विजय सिंह यहाँ पहुंचे थे कांग्रेस ऑफिस में, अभी कमलनाथ पहुंचे हैं यहाँ पे, वॉर रूम जो बनाया गया है जहाँ पे पूरे जो काउंटिंग है उसको मॉनिटर किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा और यहीं बैठ करके वो काउंटिंग को देखेंगे। राजस्थान में आंकड़ा पलट गया, राजस्थान में आंकड़ा पलट गया, बीजेपी 85 पर, कांग्रेस पार्टी 82 पर, सिर्फ 3 का फर्क इस वक्त देखने को मिल रहा है राजस्थान में। यानी कि शुरुआत में बीजेपी की जो बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही थी, यहाँ पर अब परिवर्तित हो गया है, बीजेपी 85 पर, कांग्रेस 83 पर। अर्पिता, बीजेपी 85 पर, कांग्रेस पार्टी 83 पर, आंकड़ा पलट गया अब राजस्थान में। बिल्कुल, और आंकड़ों पर पैनी नजर आज तक की बनी है, और न सिर्फ पूरा देश इस वक्त बीजेपी दफ्तर में जहां पर मैं हूं यहां पर भी देखिए आज तक ही चल रहा है और लोग यहां पर पैनी नजर लगाए बैठे हैं कि आखिरकार कैसे ये आंकड़े बदल रहे हैं और किसके फेवर में जा रहे हैं। कितना इंतजार करना होगा लड्डू बांटने के लिए, इस पर भी पैनी नजर है। ढोल बजाने में कितना इंतजार करना होगा, कितना इंतजार लग रहा है आपको? देखिए लड्डू वगैरह सब तैयार है और पटाखे भी आ चुके हैं। पटाखे आ चुके हैं, यहाँ फूटेंगे कि कांग्रेस दफ्तर? यही फूटेंगे। और जरा उनको आज तक की स्क्रीन के पास लेकर जाएं अर्पिता, और जरा आंकड़े भी दिखा दें, कांग्रेस 86 पर, बीजेपी 84 पर। पूरी तरह से मतलब तैयारी बनी हुई है, तो हर एक ये आंकड़े भी देख लीजिए जो आज तक पर इस वक्त चल रहे हैं। जरा वहां तक लेकर जाएं और फिर बात करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर आप देखिए तो 84 और 85 का अंतर है, 84 और 85 एक का अंतर अभी दिख रहा है। 88 नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आखिरी जो परिणाम है वो देखिएगा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पूर्ण बहुमत से। इसलिए हर एक कार्यकर्ता के चेहरे को आप देख सकते हैं, सबके चेहरा दिखा दीजिए, केवल एक अकेली खुश दिख रही है मुझे? नहीं, कहाँ खुश है? जो यहाँ आए ना सब खुश है, घर बैठे ज्यादा खुश तो आप नहीं? सब खुश है यहाँ पे, बीजेपी +15 और +22 है, कांग्रेस 90 हो गई, बीजेपी 82, कांग्रेस 90। अर्पिता हमारी मजबूत है तो इमारत भी बुलंद होगी। अरे कांग्रेस 90, कांग्रेस 90 हो गई है, कांग्रेस 90 शुरुआती रुझान में। ये तो शुरुआती रुझान है, और राजस्थान में 140 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को आ रही है डंके की चोट पे। अच्छा। और ये गहलोत सरकार गट्टा खाती जाएगी अभी। जिंदाबाद, वंदे मातरम, हर हर मोदी। अभी तो बैलेट पेपर की गिनती हुई है, जैसे ही ईवीएम खुलेगी निश्चित रूप से इनसे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा की आएगी। और राजस्थान में जैसे जैसे सीटें बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है मैडम आपकी, हमारे तो नहीं बढ़
हमारे कुछ नहीं बढ़ेगा, दिल की धड़कने क्यों ले रहे हैं? यहाँ 140 से ऊपर सीटें आने जा रही है। 140 हमारे को विश्वास है 140 आएगी। ये निकम्मी सोच लीजिए थोड़ी देर में, फिर अभी आप यही हैं, हम भी यही हैं। कह रहे हैं ना भगवा ले रहेगा, 140 सीटें आएगी, लाएंगे आपको लड्डू खिलाएंगे। से भाजपा की सरकार बन रही है, पूरी पूरी तैयारी है अर्पिता आपको भी लड्डू खिलाने की, लेकिन फिलहाल मन में जो लड्डू फूट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उसको थोड़ा सा विराम देना होगा। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन 199 में से 174 के अब तक के रुझान सामने आए हैं। 83 पर 83 पर बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ गई है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 90 पर आगे बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच ये आंकड़ा हालांकि बदल रहा है, बीजेपी अब 86 पर 89 पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी 176 के रुझान निकलकर सामने आए हैं, यानी कि कांटे की टक्कर। अभी तक के रुझान को देखकर कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आज तक ने आप तक पहुंचाए थे, अभी तक का रुझान वही दिखाता है। छत्तीसगढ़ पे नजर डालिए, 90 में से 75 के रुझान सामने आए हैं। 33 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 42 पर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा सबसे ज्यादा दिलचस्प है, 230 में से 163 के रुझान सामने आए हैं। 101 के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ी लीड ले ली है। हालांकि अभी यह रुझान ही है, फाइनल आंकड़े जब आएंगे तो इसमें बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी 101 पर आगे की ओर बढ़ती हुई, कांग्रेस पार्टी 62 पर आगे बढ़ती हुई। राजस्थान में आंकड़े पलट गए, 91 पर बीजेपी, 87 पर कांग्रेस। संगीत रागी जी को जोड़ रहे थे आप, जल्दी से बताइए। कह रहा था कि देखिए आंकड़े इतने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 12 बजे तक तो हम लोग कुछ भी ना टिप्पणी करें वही अच्छा है। लेकिन ये जो पार्टी के कार्यकर्ता विनोद जी इतने उत्साहित होकर राजस्थान में, तो बिल्कुल भी वो मानने को तैयार नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि पार्टी के कार्यकर्ता जब जो पार्टी पीछे आती है, कहती है उसको कार्यकर्ता कहता है शुरुआती रुझान है, और जो आगे चल रहा होता कहता है कि हाँ हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब। और राजस्थान का आंकड़ा फिर पलट गया, 199 में से 182 के आंकड़े सामने आ गए हैं। राजस्थान का आंकड़ा फिर पलट गया है, बीजेपी 93 पर, कांग्रेस पार्टी 88 पर आगे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से राजस्थान का आंकड़ा यहां पर पलट गया है, बीजेपी 92 पर, कांग्रेस पार्टी 89 पर, लेकिन फाइट देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर इस वक्त राजस्थान में। शायद यही कारण है कि रत जगह दोनों ही तरफ चला है, और बागियों को और खासतौर से निर्दलीय विधायकों को और जो छोटी पार्टियां हैं उनको साधने की कोशिश अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों की ओर से की गई है, क्योंकि उनको पता था क्या आंकड़े इसी तरह से रहेंगे। अगर हंग असेंबली बनती है तो फिर छोटी पार्टियों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों ने लगा दी है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद 199 में से 182 राजस्थान के आंकड़े सामने आए हैं। 92 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बहुमत से 8 सीटें दूर, कांग्रेस पार्टी 88 के साथ लगातार पीछा करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश 230 में से 167 के आंकड़े सामने आए हैं। 103 पर बीजेपी अपनी बड़ी लीड यहां पर ले चुकी है, कांग्रेस पार्टी 65 पर, लेकिन क्या राजस्थान की तरह से आंकड़े यहां पर भी पलटेंगे? क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी पीछा करती हुई बीजेपी को मात दे देगी? मध्य प्रदेश के आंकड़े देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस के लिए सही स्थिति नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46 पर, 32 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 90 में से 78 सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। और बड़ी खबर एक और आ रही है, जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को रुझानों में बहुमत, मिल गया है। क्या यही आंकड़ा ऐसे आगे भी कायम रहेगा? क्या भूपेश बघेल सरकार की वापसी होगी? भूपेश बघेल अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे, लेकिन क्या बाद में उनकी सीट का तालमेल विजय बघेल को वो पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे? क्या किसानों के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार की वापसी हुई है? क्या महिलाओं के लिए जो ऐलान भूपेश बघेल की ओर से किए गए थे वो काम कर गया है? यहाँ पर महादेव ऐप घोटाले को बार बार उठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से करप्शन के मामले में की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं आया। और रुझानों में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल गया है। हमारे साथ क्या सुमिया हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, हमारे साथ कौन है रायपुर से? अभी छत्तीसगढ़ सीधे लेकर चलेंगे, अब उनके पास चलेंगे, लेकिन अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर खुश तो बहुत होंगे आप, रुझानों में ही सही लेकिन बहुमत मिल गया कांग्रेस पार्टी को। छत्तीसगढ़ में भरोसा बरकरार रहेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने निरंतर जन अधिकारों को बढ़ाने का काम किया था, महिलाओं के उत्थान के लिए, आदिवासी विकास के लिए और युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा कामयाब रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो पैमाना है उसमें हम अव्वल नंबर पर रहे हैं।
काम हमारा बोल रहा है, किसानों के हित में जो काम हुआ था, और पूर्ण दो तिहाई बहुमत के साथ चित्रा जी आएंगे, भूपेश बघेल जी भी सर्वाधिक वोट से जीतने वाले वहां से आपके पास राजस्थान के 199 में से 190 सीटों के रुझान अब तक निकल के सामने आए हैं। और यहां पर देखिए अब कांग्रेस आगे हो गए 95 के साथ, भारतीय जनता पार्टी 93 के साथ, कांग्रेस पार्टी ने फिर से लीड ले ली है 2 सीटों की, बीजेपी 93 के साथ पीछा कर रही है दोनों एक दूसरे का। अंत तक क्या होगा जल्दी से टिप्पणी सर, अंत तक क्या होगा कुछ पता नहीं, कांटे की टक्कर राजस्थान में और 94-96 हो गया और ये आखिरी तक किस किस करवट बैठेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। 100 सीटें अगर जिसकी भी आ जाती है रुझानों में तो उसकी यानी कि बन जाएगी रुझानों में सरकार, लेकिन फाइनल आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे देखना दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस पार्टी 99 पर, कांग्रेस पार्टी 99 पर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी 93 पर आ गई है राजस्थान में कांटे की टक्कर, और ऐसा लग रहा है कि जो एक्सिस माय इंडिया ने आप तक पहुंचाए थे आंकड़े आज तक के जरिए, वही इस वक्त राजस्थान में बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 99 पर, बीजेपी 93 पर पीछा करती हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत के चेहरे पर ऐसा लग रहा है वहां पर लीड बना ली है। और अशोक गहलोत ने राजस्थान को लेकर बड़े सारे ऐलान भी किए थे, क्या ये उसका कमाल है? आपको बताते चले कि राजस्थान में कई सारी योजनाओं का ऐलान अशोक गहलोत की ओर से किया गया था, चिरंजीवी हेल्थ स्कीम की बात की गई थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की, महिलाओं को स्मार्टफोन हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई थी, किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा राजस्थान में किया गया था। अशोक गहलोत का क्या वो वादा कमाल कर गया? हालांकि बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं है, लेकिन राजस्थान की परिपाटी ये कहती है कि राजस्थान में 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, ऐसा 1993 से हो रहा है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी 97 पर अपनी लीड लिए हुए है, भारतीय जनता पार्टी 95 पर है, तो इन आंकड़ों से समझिए कि किस तरह की कांटे की टक्कर, 96-96 दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए हैं संजय जी, 96-96। नहीं, विनोद जी ने इसका बहुत बखूबी जिक्र किया कि इसको कहते हैं कांटे का टक्कर, लेकिन ये कांटे का टक्कर सिर्फ पोस्टल बैलेट में हो रहा है। कांटे का टक्कर असल में होता या नहीं होता, मुझे लगता है 12, 12:30, 1 बजे के आसपास पता चलेगा, क्योंकि काउंटिंग धीरे होगी, बहुत कंटेस्टेशन दोनों पार्टियों के बीच में है, तो मुझे लगता है 12, 1 बजे के बाद ही ये संदेश मिलने लगेगा, ये एक डायरेक्शन पता चलने लगेगा कि आखिर चुनाव का नतीजा किस ओर जाने वाला है। जो मिठाइयां बनाई जा रही है उनका फिर क्या होगा? दोनों ही दफ्तरों पार्टी दफ्तर मिठाइयां तो बनाई जा रही है, किसी न किसी को तो मिठाई खाना है, चाहे वो बीजेपी के समर्थक खाएं, हाँ। चाहे कांग्रेस के समर्थक खाएं। अब देखिए आंकड़ा फिर पलट गया, 199 में 194 राजस्थान के बीजेपी 98 पर, कांग्रेस पार्टी 92 पर आ गई है। ये तो लग रहा है जैसे मुंह से लड्डू छीन ली गई। यहाँ पर अब किसके हाथ में लड्डू होगा।